ए, क्या है? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ मैडम, मैं तो बस अपने रास्ते पर जा रहा हूँ। ये हीरोगिरी मुझे मत दिखा, समझा? ए, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। पर मैं तो पसंद करता हूँ ना। जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं जाऊंगा, तुम्हें पसंद करता हूँ बस। ठीक है सर, मैं ही चली जाऊंगी, आप यहीं पर रहिए। पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। जाओ जाओ। ए, यहाँ क्यों बैठा है? क्या हुआ है तुझे? प्यार हो गया यार। श्याम जी ने जो 10 दिन की मोहलत दी थी उसमें से 7 दिन खत्म हो गए, 3 दिन बचे हैं। मुझे पता चल गया है कि नंदिनी मुझे नहीं मिलेगी। तो सिर्फ पार्टी करने के लिए नहीं होते हैं, बहुत बड़े तो अपनी जान भी दे सकते हैं। सिर्फ डायलॉग नहीं मार रहा हूँ, अब तक कितने अनजान प्रेमियों की शादी करवा चुके हैं हम, तो तेरी भी शादी करवा के रहेंगे। सुन मेरे यार, वो लड़की कोई भी हो कहीं भी हो, उसे यहाँ ला के तुझसे उसकी शादी नहीं करवाई ना, तो हम तेरे दोस्त नहीं है, समझ ले। शंभू शिव शंभू, शिव शिव शंभू, हो शंभू शिव शंभू, शिव शिव शंभू। रुद्र रूप शंकर काले करवाज करेंगे हम सब दंगल, रोग नहीं पाएगा कोई, साथ है जब शंभू। झोल झाल करना पड़ जाए, गोलमाल करना पड़ जाए, कर जाएंगे हम सब कुछ जब साथ रहे शंभू। भाई, आपके लिए ही भेड़ की तंदूरी बनाई है, इसकी खाल बेच के आपके लिए दारू भी लेके आए, पूरा मजा लेके खाइए आप। हाँ। ये मटन मस्त लग रहा है। चुराया हुआ माल अच्छा ही होता है। क्या कहा? कुछ नहीं, पीने के लिए कह रहा है। यही तो हम चाहते थे, यही तो हम चाहते थे। ए मटन, ए लौकी, तुम दोनों की बिना कमीशन लिए शादी करवा दूंगा, तुम लोग भी क्या याद करोगे? भाई भाई भाई, मैंने आपकी बताई हुई लड़की से ही शादी की है, सिर्फ सुहागरात मनाना बाकी है। कैसी भाई, मदद और कर दीजिए ना, मेरे दोस्त को एक लड़की से प्यार हो गया है, मगर वो दोस्त को पसंद नहीं करती। अब आप ही कुछ ऐसा उपाय बताइए जिसे वो लड़की मान जाए। भाई भाई, मेरा दोस्त उस लड़की को बहुत चाहता है, अगर उसने मना कर दिया ना तो वो भी जाएगा। रो मत भाई, रोना मत। आना, आजा आजा, इधर बैठ, इधर बैठ। आ गया। अरे इधर आ, ये तुम्हारा दोस्त है क्या? ये निकम्मा तुम्हारा दोस्त है? अरे भगवान, अरे भाई, ये गिर जा रहा है, कुछ नहीं होगा। बैठिए भैया, मान जाइए, वहां बैठ जा। ठीक है, एक आइडिया देता हूँ। प्यार को तुम लोगों ने क्या समझ रखा है? और वो क्या है? प्यार ना एक रुई की तरह है, आग लगाने से जलकर खाक हो जाती है, और उसी रुई को तेल घी लगाकर जलाने से चारों तरफ रोशनी हो जाती है। कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तू हार बिल्कुल मत मानना। लड़की का बाप गाल पर चाटा मारे तो दूसरा गाल बढ़ा देना, वो दूसरे गाल पर चाटा मारे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन वो लड़की उस गाल पे किस जरूर करे। तू निकम्मा भले ही सही, लेकिन लड़की के सामने अच्छा बन के रहना तू। अपने कर्ज को कमाई बता, अपने घर को महल बता, उसके पीछे पड़ जा और पटा ले उसे। अगर उसका बाप राजा है तो तू महाराजा बन के दिखा। ए, मेरा ग्लास दे। ये लो भैया। बुरे आदतों से दूर रहना। सही कहा आपने। लड़की के करीब रहना, पास आना, चांस मिलते ही रोमांटिक हो जाना, पर वैसी नहीं। देख ऐसा फॉलो कर, अगर शाम तक वो लड़की बाहों में आकर बात करती है तो समझो हाँ है, नहीं तो मैं तेरी किसी अंधी लूली लंगड़ी लड़की से शादी करवा दूंगा। अब मैं जा रहा हूँ। ये सही सलामत घर पहुँचेगा ना? वो देख कैसे चाट के जा रहा है। तुम मन लगा के पढ़ना और अपना ख्याल रखना, यू टेक केयर। हाँ ठीक है। क्या वो सौम्य अर्जेंटली बुलाए मुझे? वो धारवाड़ यूनिवर्सिटी से PhD रिसर्च के लिए कॉल आया था। हाँ। 1 महीने के लिए मुझे वहीं पर रहना होगा। क्या 1 महीना? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो?
अरे यार एक महीना मतलब तुम्हें छोड़कर कैसे रह सकता हूँ मैं? पर सिद्धार्थ ये रिसर्च मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं इसे मिस नहीं कर सकती। एक ही महीने की तो बात है, जाकर आ जाऊंगी। देखो तुम चाहे रिसर्च करो या ना करो, लेकिन रोज फोन पर एक घंटा मुझसे बात तुम्हें करनी ही होगी। हाँ, और अगर एक दिन भी मिस किया ना तो मैं सीधा वहाँ जाऊंगा और तुम्हें उठा कर लेकर आऊंगा। ठीक है चलेगा। कुछ बस आ गई है, चलती हूँ। बहुत बढ़िया खाना है। बहुत अच्छा, मजा आ गया भाई। खाना अच्छा है ना? शारदा बहन नहीं आई क्या? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? वहाँ पीछे तबेले में तुम्हारा और भी इंतजाम किया हुआ है। ए, अपना मुंह बंद कर मित्र द्रोही, तुझे हमने रंगे हाथ पकड़ा है। यार ऐसी बातें क्यों कर रहा है? बात क्या है बताना, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई तो छुपाई, ऊपर से हमसे झूठ भी बोल रहा है तू। ए, मित्र द्रोही गद्दार धोखेबाज कहेंगे। यार ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है? मेरी सुहाग रात है, बता देता तो तुम लोग छोड़ते नहीं ना। देख यार हम तीनों के बीच में फैसला हुआ था ना, किसी की भी सुहाग रात हम मनाने नहीं देंगे, इसीलिए यार डर से नहीं बताया। तुम लोग तो यहाँ वहाँ मुंह मारते रहते हो, पर मेरी तो पहली सुहाग रहा था ना, मनाने दो ना यार। ये सब बोलने से कुछ नहीं होगा, सुन मेरी बात, आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म। मेरा नंबर तेरे पास नहीं होगा, तेरा नंबर मेरे पास नहीं होगा। चल फोन दे, दे मुझे। अरे 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 मेरी बात तो सुन। मत कर। क्या रे, तुझे क्या लगता है हमारे घर खाना नहीं है इसलिए तेरे घर खाना खाने आए हैं? जरा देख सबका सब वैसे ही पड़ा है। अरे सिर्फ हड्डियां ही क्यों छोड़ दी, वो भी खा लेते ना। हमारा अपमान कर रहा है। घर आए मेहमानों का अपमान, दोस्तों का अपमान। ले तेरा फोन रख, दोबारा तेरे घर पर कदम नहीं रखेंगे हम। ए तू इससे बात क्या कर रहा है, चलना यहाँ से, चल चल। अरे यार मेरी बात सुन ना यार, यार मेरे भाई मेरे दोस्त, जा जा कभी बताना। ए वो गए तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। चप्पल का है, तुझे बताता हूँ मैं। ए बेटा पता नहीं कब सुधरेगा, यहाँ क्या कुश्ती कर रहा है, अंदर जाकर कुश्ती कर, सब समझाना पड़ता है। रानी तुम्हारे हाथ रस मलाई की तरह है, बिल्कुल सोने की गुड़िया लग रही हो। आए हाय सेव की तरह लाल है गाल, शहद से भी ज्यादा मीठी लग रही हो, स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही हो, दूध का झरना लग रही हो। रुक क्यों गए, मेरी तारीफ में और कुछ कही है ना? आए हाय दिल करता है इस दूध की दरिया में यहाँ से वहाँ तैरता ही जाऊँ, तैरता ही जाऊँ, तैरता। ए जी ये सुजाता कौन है और ये ब्रैकेट में लॉज क्यों लिखा है? मुझे नहीं पता कौन है। बिना जाने नंबर अपने आप सेव हो गया क्या? छोड़ो ना, कट करता हूँ। कट मत करना, फोन मुझे दो। स्पीकर ऑन करती हूँ, बात करो। हेलो। हाय डार्लिंग, सब ठीक तो है ना? आप कौन बोल रही है? हाँ 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 हम तो अब आपके पराये हो गए हैं ना। आज आपकी सुहाग रात है ये मैं जानती हूँ। तुम उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो, ये बिल्कुल मत दिखाना, नौटंकी करना। ए कौन है आप? अरे हमारा रिश्ता टूट जाएगा, सच बोल रहा हूँ मैं। ए तुम इतने अच्छे परफॉर्मर हो, ये मैं बहुत अच्छी। हे भगवान। नहीं नहीं उसे मालूम मत होने देना, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। कौन हो तुम? अरे मुझे बताओ कि कौन हो तुम, है कौन हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ कर चलो यहाँ से, चल निकल निकल यहाँ से, चल जा यहाँ से। ए मैं तेरा पति हूँ। पति है? चीर दूंगी। चला गया से, दफा हो जा, चल भाग। कौन है ये सुजाता है? बस एक बार मिल जाए उसे मैं कुचल कुचल के जान से मार दूंगा, मुझे वो जानती नहीं है जो उसने किससे पंगा लिया है। हाँ। यार सिद्धार्थ आज मेरी मिमिक्री से अपना मटन सुहाग रात से हो गया आउट। अरे वो लौकी कौन है बे? हे मतलब तू ही वो शैतान है जिसकी वजह से मेरी सुहाग रात खराब हो गई। तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि तू सुहाग रात मनाने के लायक ही नहीं रहेगा।
क्या कर रहा है तू? छोड़ दे। ए सुहाग रे, मनाए भी नहीं चका दिया। ए रुक जा रे। अरे ए छोटा, अरे छोटा, अरे मेरी सुहाग रात क्यों खराब कर दी? ए मटन, तेरे बगल में मैं सोया हूँ, अपनी बीवी मत समझना। कौन है रे? कौन है? क्या हुआ? चल चल, बिरजू ठाकुर से अपने अपमान का बदला उस लड़की को मिला कर लेंगे हम। सिद्धार्थ भैया, महेश आने वाला है ना? महेश को बताया ना, वो आएगा? हाँ, ना बताया ना, वो आएगा। हाँ। तू आ जाए ना। संभल के, संभल के, गिर जाएंगे। हाँ ठीक है, चल 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 जल्दी। लगता है वो लोग महेश को लेके आ गए। अरे रुक जा रे, मेरी चप्पल निकल गई। अरे गाड़ी यहाँ पर है, लेकिन सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, अबे चिल्ला क्यों रहा है? शांत रहना। अरे वो रहा, 5 मिनट से ज्यादा यहाँ कोई नहीं रुकेगा, इस बात का ध्यान रहे। बिरजू ठाकुर के आदमी या गाँव वालों से बच के रहना, नहीं तो तीनों को काट देंगे। चल वैसे ये ले। सिद्धार्थ भैया थैंक यू, जल्दी कर। भैया हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे इतना मत सोच तू, इस गांव में बहुत से लोगों को मिलाया हमने, आज सब खुश है। तुम लोगों की खुशी में हमारी खुशी है, बस किसी के हाथ मत आना, ठीक है? चलो 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 अबे जल्दी चल, हाथ में तोड़ लेकर जल्दी। अभी जल्दी सालों को मेरी ही बाइक मिली थी। मेरे बाप को देख कैसे देख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अब वो मेरा खून ही कर देगा। शुक्र है मेरी बाइक नहीं है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मैं इस गांव की भलाई के लिए इन्हें इस गांव से 6 महीने के लिए तड़ी पार कर रहा हूँ। ओ ठाकुर जी, आप ऐसे कैसे तड़ी पार कर सकते हैं? आपको क्या लगता है हम अनपढ़ हैं? हम भी स्वतंत्र भारतीय हैं, सरकार ने हमें भी आधार कार्ड वोटर आईडी दे रखा है। ये जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। हुकूमत का जमाना कब का खत्म हो चुका है? बैठना। ए तू चुप रह, ये तो सरासर अन्याय है। हमने कोई खून किया है क्या, चोरी की है क्या, या किसी का बलात्कार किया है? हमने तो 2 प्रेमियों को मिलाया है, बस इतना ही किया। बस इतना ही क्या, परसों केलार के 2 को मिलाया वो। ए माधोपुर में 4 जोड़ी को मिलवाया था, 3 जोड़ियों को मिलाया, सीतापुर में 1 जोड़ी, लक्ष्मणपुर में 1 जोड़ी को। ए तू चुप रह,
शिवपुर में 3+1 जोड़ी को मिलवाया है। और बड़े शान से मिलाया है हमने। और हाँ ठाकुर साहब, आपने जिन 4 जोड़ियों को अलग किया था ना, उसे भी भगाने में हमने ही मदद की थी। हाँ। और सुनिए, रक्तदान, अन्नदान, नेत्रदान, इन सबसे भी बड़ा दान प्रेमियों को मिलाना है और वो हमने किया है। चुप रहोगे तुम लोग? तू चुप बैठ। सुनो तुम लोग, इन्हें मैं 6 महीने के लिए नहीं, अब जीवन भर के लिए तड़ी पार कर रहा हूँ। ठाकुर जी मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, अनजाने में से गलती हो गई। ठाकुर जी ए चुप कर। किसके पैरों पे गिर रही है? ठाकुर जी माँ उसका पैर छोड़। तू माँ हाथ जोड़ती हूँ ठाकुर जी, छोड़ उसका पैर। इसे आस्तीन नीचा करने को बोलो, क्षमा कर दूंगा। ठाकुर जी तुझे क्षमा करने के लिए तैयार है? आस्तीन नीचे कर सिद्धार्थ। माँ तू मेरी भगवान है, मैं तेरी पूजा करता हूँ, किसी राक्षस की नहीं। देख मुझे अपनी जान नहीं, कसम प्यारी है, बोल बचन नहीं देता मैं, सीधा हाथ छोड़ता हूँ। ये तुझे तड़ी पार कर देंगे, नीचे कर आस्तीन, नीचे कर। इस गांव से तो क्या, इंडिया से भी तड़ी पार करेगा तो भी नहीं झुकूंगा। सुन ले, वीरों को पैदा करने वाले इस मिट्टी पे मैं भी पैदा हुआ हूँ, किसी भी ग्रह में अपना झंडा गाड़ दूंगा। मालिक ये मामला पुलिस तक पहुँच चुका है और ये इंस्पेक्टर भी बहुत सख्त है, बात बढ़ने से पहले यहाँ से भागना ही उचित होगा। चलिए। हमेशा कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देता है, पंचायती करने की क्या जरूरत है? अपना खा अपना पी अपनी देखना, बिरजू ठाकुर से लड़ने की हिम्मत है क्या हम लोगों में? समझने की कोशिश क्या माँ, प्रेमियों को मिलाना गलत बात है क्या? वो बंद कर अपना, क्या जरूरत थी ये सब करने की? 4 पैसे कमाने के बारे में सोच। कमाऊंगा ना, इलेक्शन नजदीक आ रहा है, उसमें खड़ा होऊंगा, ग्राम पंचायत का प्रधान बनूंगा और तुझे पैसों से नहला दूंगा। बंद कर अपना, कौन देगा तुझे वोट? इस गांव का एक आदमी भी वोट नहीं देगा तुझे, देख लेना। क्यों नहीं देगा? तू है ना, तेरा वोट काफी है, पूरी दुनिया जीत लूंगा मैं। इलेक्शन का भूत अभी तक उतरा नहीं है तेरे सर से, देख आज तेरा क्या हाल करती हूँ मैं। अरे मां सुधर जा, लगता है सुधर जा। कहां ना सुधर जा। ए सिद्धार्थ, आज कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? लोकी, आना। अरे भागो, रस्सी खोलना, आ जाना। ओके, क्या कर रहा है? आना रस्सी खोल। देख कुछ क्या कर रहा है, कैसा दोस्त है तू, जल्दी खोलना। हाँ खोलता हूँ, पहले ये बताइए किसने किया। खोल तो सही, चल पहले निकलते हैं यहाँ से। कुछ समझ में आया तो मुझे फोन करना, ठीक है? चलता हूँ। हाँ सिद्धार्थ बोल। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन कोई भारी आइडिया बताओ ना जिससे कि वो पट जाए। सिद्धार्थ ये लड़कियां ना, वो जिस भगवान को पसंद करती हैं, उसका पति भी उसी भगवान को पसंद करे, उनकी यही इच्छा होती है। सिद्धार्थ हाथ दो, वही मिलेगी, आ जाना। आज के जमाने में लड़कियों को जो जो करने में खुशी मिलती है, तुम भी वही करो, उन्हें अच्छा लगेगा। उसी तरह से किस समय क्या खाना पसंद करती है वो तुम खिलाओ, वो और करीब आएगी। वो जो कहेगी तुम वही करो, फिर वो तुमसे पक्का पड़ जाएगी। सुधा मेरे पास 5,000 रुपए, यहाँ जाओ ना, बहुत एंजॉय करेंगे। तुम्हारी खुशी डबल करो क्या? सिद्धार्थ 5,000 रुपए में इतनी खुशी मिल सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पता है मैं अपनी लाइफ में पहली बार इतनी खुश हुई हूँ। अच्छा
हाँ यही तो मेरी खासियत है। इतने में ही खुश हो गई। अरे अभी तो मेरा गांव है, मेरी माँ है, मेरा देवता है, मेरे दोस्त है। अरे उनसे मिलोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। ए सिद्धार्थ, यहाँ मुड़कर मत देखना, वहाँ मुँह करो, इरिटेट मत करो मुझे। बाबा ये हुई ना बात, गुड बॉय। क्या नसीब है, लगता है मेरे नसीब में इंतजार करना ही लिखा है। अरे ठंड लग रही है, हुआ क्या तुम्हारा? हाँ हो गया। सिद्धार्थ क्या हुआ? सौम्या का तुम पसंद करते हो या नहीं मैं नहीं जानती, तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं मैं ये भी नहीं जानती, लेकिन तुमसे एक बात करनी थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आई लव यू, सच में। फिर से कहूँ, आई लव यू सिद्धार्थ। अच्छा लगा? I love you! I love you, Nandini! I love you! अनाउंसमेंट थोड़ी देर में हो जाएगी। हर एक ब्लॉक में अपने आदमी होने चाहिए। पैसों की परवाह बिल्कुल मत करना। ऐसे नहीं चलेगा। सुन क्या हो रहा, जाकर देख। तुम लोग शोर क्यों कर रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? मेरी बेटी शौच के लिए बाहर गई थी, तब इस आदमी ने मेरी बेटी की इज्जत लूटने की कोशिश की, किसी तरह इसने अपने आप को बचाया। शौचालय बना कर देते तो ऐसा होता क्या? प्रधान से बात करनी है, बुलाइए उन्हें। हाँ रुको, देखो भाई सिर्फ कोशिश ही की थी ना, रेप तो नहीं किया ना। लड़कों का गरम खून है, जोश आ गया होगा। हाँ मालिक, मालिक क्या हुआ? कैसे कैसे होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? ए कामले क्या हुआ? इसको डांस हो रहा है यहाँ और हम भी डांस कर रहे हैं, और क्या होगा? क्या सभी लोगों की इज्जत और जान पर बनाई है और तू अंदर बैठकर इलेक्शन के लिए प्लान कर रहा है? ये सब इनका रोज का नाटक है, और तू इनकी तरफ से भाषण देने आया है क्या? मैं दूसरों की दी हुई चड्डी पहन के नहीं घूमता, खुले में बैठने वालों की परेशानी तू क्या जानेगा, एक बार बैठ तो पता चलेगा। सुन ले, ऐसा वक्त मुझ पर कभी नहीं आएगा। अगर इनकी इतनी ही फिक्र हो रही है तो तू ही बना कर दे दे। हाँ ठीक है, तुझे छोड़कर इस गांव का कोई भी एक आदमी मुझे शौचालय बनाने के लिए कह दे, बनवा दूंगा। कोई है? देखा राज्य के ग्राम पंचायत के चुनाव की अंतिम तारीख घोषित हो चुकी है। मालिक 6 अक्टूबर 2018 को चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या हुआ? इसी का इंतजार था मुझे। बिरजू ठाकुर कान खोल के सुन ले, इस बार इलेक्शन में तेरे विरुद्ध खड़े होकर जीत कर ग्राम पंचायत का प्रधान बनकर पूरे गांव में शौचालय बनवाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है। जय जयकार अधिकार का सपना देखकर राजनीति में कदम मत रखना, हर जगह से जबरदस्त पिटेगा, ऐसी मार पड़ेगी कि तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुझे इलेक्शन में खड़ा रहना तो दूर, नामांकन पत्र भी जमा नहीं करने दूंगा। और ये इस बिरजू ठाकुर का चैलेंज है तुझसे। मैं ग्राम पंचायत का प्रधान बन कर ही रहूंगा, लिख कर ले ले। चल। मैंने सुना है कि सिद्धार्थ और ठाकुर साहब के बीच पंचायत ऑफिस में कुछ लड़ाई हुई है। अरे वही सिद्धार्थ इलेक्शन में खड़ा हो रहा है ना, उसकी माँ ही उसे वोट नहीं देगी, तो और किसी से क्या उम्मीद की जा सकती है? अरे बिरजू ठाकुर से आज तक कोई जीत पाया है क्या जो ये जीतेगा? बात तो एकदम सही है।
अरे दीदी, बिरजू ठाकुर का इलेक्शन में जीतना और हमारा खुले में शौच के लिए जाना कभी रुकने वाला नहीं है। हाँ तू ठीक कह रही है। क्या हुआ, पैसे दिए ना उसने? हाँ अभी 50,000 दिए हैं, बाकी के 50 नॉमिनेशन फाइल करने के बाद देगा कह रहा था। ठीक है चल चल। चले क्या? बिरजू भाई, दीदी जल्दी से इलेक्शन कार्ड और आधार कार्ड लेके आओ भाई का। इसलिए क्या बात है भाई? उस बिरजू ठाकुर के विरुद्ध मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ, आप मेरी तरफ से खड़ा होंगे। उस बिरजू के खिलाफ खड़े होकर क्या होगा, कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो जीतता तो बिरजू ठाकुर ही है। अब हार जीत के बारे में मत सोचिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। चला लीजिए, रख लीजिए इसे। जो मैं कह रहा हूँ उतना ही करना है, इलेक्शन में खड़े होना है बस, बाकी मैं देख लूंगा। क्या यार, तू सिर्फ बिरजू ठाकुर के नाम के लोगों को ही खड़ा करवा रहा है, तू पागल हो गया है क्या? हाँ। ये बता, गांव के लोग किस बिरजू ठाकुर को वोट देंगे? अरे भाई वही अब चलना यार। अरे यार मैं तो पसीने पसीने हो गया हूँ भाई, दो छाछ देना। हाँ बोल। कहाँ है सिद्धार्थ? माधेपुर में हूँ। ए, अपने 12 लोगों में से 11 लोगों का नामांकन पत्र जमा हो गया। बहुत बढ़िया, बस अब तू ही बाकी है, जल्दी आ। नामांकन पत्र चाहिए ना, लेकर आ रहा हूँ। अरे जल्दी आ यार, क्या यार, बस हो ही गया यार, निकल ही रहा हूँ। हाँ जल्दी आ। ए, उसे आने में 1 घंटा लगेगा, चलो चल के चाय पीते हैं। नामांकन पत्र कहाँ है? ये रहा। कहाँ है? यही तो रखा था। दिख तो नहीं रहा, कहाँ रखा है याद कर। क्या हुआ भैया, नामांकन पत्र देखा क्या आपने? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा। याद कर, यही कहीं रखा होगा, यही कहीं गिरा होगा यार। भूल कैसे जाता है, यहाँ रखा है क्या भाई? वहाँ देख, वहाँ होगा, वहाँ है क्या? अरे कहाँ गया? अरे यही रखा तो था। कहाँ है, कहाँ है? ए, ये झगड़ा क्यों कर रहे हो? अब क्या करेंगे, यहीं पर रखा था, सब बर्बाद हो गया। अरे यहाँ पूछा था और क्या हो गया? हाँ श्याम जी। ए सिद्धार्थ, कहाँ है तू? माधेपुर मार्केट में हूँ, क्यों? चलो अच्छा है, अब जल्दी से कर्नाटका बैंक के पास आ जा। अरे श्याम जी, यहाँ मेरा नामांकन पत्र खो गया, मैं परेशान हूँ। नामांकन पत्र खो गया, चलो अच्छा हो गया। उस बिरजू ठाकुर के विरुद्ध खड़े होकर हार जाता और अपनी इज्जत गवा देता। सुन सिद्धार्थ, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, जल्दी से आ जा। ये आप क्या बोल रहे हैं श्याम जी, मुझे जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। क्या, तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया? अगर आगे भी अपना भला चाहता है तो मुंह बंद करके जल्दी से आ जा, समझा? बड़ा यार। तो अबे चल, कहाँ जाना है? मरने और कहाँ, यही बचा है हमारे पास, चल। ठाकुर जी, ये नामांकन पत्र घर में रख दूं क्या? नहीं। तो इसे फाड़ दूं क्या? बिल्कुल नहीं, 55 मिनट के बाद नामांकन पत्र जमा करवाने का वक्त खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ये नामांकन पत्र और उसके अहंकार दोनों को उसी के सामने चलाकर राख कर दूंगा, और तब तक के लिए तू इसे ले जाकर फसल में छुपा दे। ओहो, क्या दिमाग लगाया है मालिक। नहीं छोड़ूंगा उसे। आ गया, आ जा। हाँ बोलिए, क्या बात है, क्यों बुलाया? ए सिद्धार्थ, एक लड़के ने ना मेरी फूल जैसी कोमल बेटी के दिमाग में ना प्यार का गोबर भरकर मेरी बेटी को पागल बना रखा है, उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, उसे जान से मार डालना है, इसीलिए तुझे बुलाया मैंने। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आज तक मैंने जो भी काम हाथ में लिया है या फिर बोला है वो कभी फेल नहीं हुआ है। वो कौन है बताइए, आपकी बेटी का उससे पीछा छुड़वा दूंगा। अरे वो कौन है मैं भी नहीं जानता, ये बात मेरी बेटी नहीं उसकी फ्रेंड गीता बताई। अच्छा। इसीलिए अपनी बेटी को मैंने यहाँ बुलाया है, तेरे सामने ही पूछूंगा कि वो कौन है, चाहे वो जो कोई भी हो उसे तुझे खत्म करना है। हाँ ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आने दीजिए अपनी बेटी को, वो आ रही है। हाँ उससे भी मिलूंगा। देखो वहाँ, देखो देखा आ रही है, लाल ड्रेस वाली। आ,
ये पापा के साथ क्या कर रहा है? सब कुछ बता दिया होगा क्या इसने? लो आ गई। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो बेटी, इसका नाम सिद्धार्थ है, मेरा दोस्त, शुभचिंतक, सब कुछ है। वो जो तेरे पीछे पड़ा हुआ है ना मजनू की औलाद, वो कौन है बता दे, उसको ये जान से मार देगा। वो चाहे कोई भी हो, जल्दी से बता दे बेटी। बोल। आ, जान से मार दूंगा उसे। बोलिए बोलिए बोलिए। बताओ बेटी बताओ, ठीक से पूछना। हाँ बोलिए, वो कौन है, आप डर क्यों रही है? देख लेगा, डर मत, बता दे बेटी। बताइए बताइए कौन है, डर क्यों रही है, बताइए कौन है वो? पापा। हाँ बताइए बताइए। यही पर है। यही पर है वो? यही पर है। हाँ। कौन है बताओ बताओ बेटी। हाँ, कौन बताओ? है कहाँ है, कहाँ है बताइए बताइए बताओ बेटी। हाँ? अभी वो बच्चा है और मैं उसके बाप का बाप हूँ। ये पापा के साथ क्या कर रहा है? सब कुछ बता दिया होगा क्या इसने? अब मैं क्या करूं? बताओ बेटी। हाँ बताइए। बताओ कौन है वो? हाँ है वो। हाँ बताओ। अभी अरे नहीं। हाँ हाँ बताओ। बताइए ना बेटी। बताइए। बोलो। हाँ। ऐसे कैसे बोल सकता है? अबे नालायक लौकी की औलाद, मेरी बेटी के पीछे पड़ा है, नहीं छोड़ूंगा तुझे। क्या करो भैया? नहीं छोड़ूंगा। क्या बात कर रहे हो मुझे? कहाँ ठीक है, गलती हो गई भैया। मैं नहीं छोड़ूंगा भैया। डरता नहीं हूँ मैं, कौन हूँ? मैं नहीं छोड़ूंगा भैया। नहीं छोड़ूंगा तुझे। सिद्धार्थ सिद्धार्थ, तुम्हें बचाने के चक्कर में गलत आदमी की तरफ इशारा किया, जाओ बचाओ उसे। अरे अरे वो मेरा दोस्त है, ये तुमने क्या कर दिया? अरे अरे श्याम जी आप इसे छोड़िए। अरे रुके रुके मैं बात करता हूँ, रुके। ए, प्यार करने के लिए तुझे श्याम जी की बेटी मिली थी, आज तू बच गया, फिर कभी ऐसा किया तो जान से मार दूंगा। मैं मजनू की औलाद, तुम्हें जान से मार दूंगा, प्यार करेगा तू, अब जाइए। अरे मर गया रे। सॉरी यार, बुरा मत माना। तू क्यों सॉरी बोल रहा है यार? उसने प्यार किया इसलिए तो मुझे मार पड़ी। क्या कह रहे? उसने जिस दिन मुझे चाय लाकर दी उसी दिन उसका दीवाना हो गया था। इस शामराव की काम वाली भाई को बेटी समझ बैठा है, इतने से अच्छा ही है। अबे खजूर, यही सब चाहिए था तुझे? इसके बारे में किसी को मत बताना वरना मेरी इज्जत चली जाएगी। काहे की इज्जत यार, कुछ बचा भी है क्या? नामांकन पत्र भी खो गया और वक्त भी नहीं बचा। ये ले, अगर तू नहीं बताएगा तो भी पूरे गांव को सब पता चल जाएगा। देख, सब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। क्या कहा? सीसीटीवी कैमरा कहा? अरे हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे तू क्या ढूंढ रहा है? अरे बताएगा भी? अरे सेठ, आधे घंटे पहले यहाँ क्या हुआ उसका फुटेज दिखा सकते हैं क्या? मैं अभी नहीं दिखा सकता भाई, अभी धंधे का टाइम है, आप जाइए। ए सेठ, फोकट में मत दिखा, तू दिखाएगा तो तेरे दुकान से कुछ ले लूंगा। तो, तब फिर चलेगा। हाँ, देखो जल्दी पीछे कीजिए, पीछे कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, रुके रुके, अप ले कीजिए। अरे ये तो बिरजू ठाकुर का ट्रैक्टर ड्राइवर है। हमसे ही होशियारी करेंगे ये लोग। हाँ? छोड़ूंगा नहीं इन्हें। चल ए भाई, बोला था कुछ कपड़े खरीदोगे। ओए सेठ, तेरे कपड़े लेकर मैं क्या करूं? मेरे तो होममेड कपड़े हैं, झटपट पहनता हूं, झटपट निकालता हूं। ओए सिद्धार्थ रुक जा। चल जल्दी बैठ, सिर्फ 45 मिनट ही बचे हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चल ए, वो देख सामने आ रहा है, वो देख। ये एक पुराना रेडियो है, मारे बिना कुछ नहीं बोलेगा, मार इसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बिरजू ठाकुर ने फसल में छोड़ा है। रुक रुक रुक, वो देख वो देख वो देख। ए मटन, अपने जितने भी लोग हैं ना उन सबको लेकर बिरजू ठाकुर के गोडाउन में आ जा। अच्छा, बात में कुछ पहले जल्दी आ। चलो रे।
मालिक। सिद्धार्थ ने मुझे बहुत मारा, इसीलिए मैंने नामांकन पत्र कहा है उसे बता दिया। फसल को जला दो। अच्छा हुआ समय से पहले आ गए। अरे नामांकन पत्र मिल गया। ये लो साहब। नामांकन पत्र मिला बताना चाहिए था ना, मुझे लगा तू आत्महत्या करने जा रहा है, सोचकर पूरे गांव को यहाँ लेकर आया पचा ले। आ राम भैया, मैं बस अभी आया। ए, 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 सिद्धार्थ यार मटन
सुन यार, पागल कुत्ते की तरह मारेंगे, बचा ले यार। एक मिनट, तू डर मत। लक्ष्मण भैया, मैं आ रहा हूँ। मटन। आराम से भाई। सिद्धू जी को मेरा अभिनंदन। धन्यवाद ठाकुर जी। तो नामांकन पत्र जमा कर दिए और चुनाव में भी खड़े हो गए। ठाकुर जी, मैं तो आपको बहुत बड़ा वीर योद्धा समझता था, लेकिन अर्जुन की तरह ललकार के शकुनी की चाल चल दी आपने। चाहे अर्जुन हो या शकुनी हो, सिर्फ युद्ध जीतना जरूरी होता है। याद रखना, तेरा सामना किसी मामूली योद्धा से नहीं हो रहा है, कृष्ण से हो रहा है। या शंख भी मैं बजाऊंगा, संहार भी मैं ही करूंगा। तू अभी बच्चा है और मैं तेरे बाप का बाप हूँ। अपने रिश्तेदारों को मैंने नहीं छोड़ा, तो तुझ जैसे दुश्मन को छोड़ दूंगा क्या? बिरजू ठाकुर, जिसने तेरे इन बच्चों को धोया है ना, उसके लिए तुझे धोना कोई बड़ी बात नहीं। तुझ पे दया आती है। मैं तुझे नहीं मारूंगा, तेरे एक एक आदमी को 100-100 बार मारूंगा और तू उनके सखों पर मरहम लगाएगा। इसी गांव में तेरी 6 फुट की हाइट को 3 फुट कर दूंगा। क्या किक मारा है, अब आएगा मजा। चुनाव क्या होता है ये मैं तुझे सिखाऊंगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। सबको पैम्फलेट बांटना होगा, एक घर भी छूटना नहीं चाहिए। क्या यार, इलेक्शन में पैम्फलेट कौन बांटता है? घर घर में कपड़े पैसे बांटने होंगे, तब लोग वोट डालेंगे। ओह, अरे ये क्या है कि जानू जानू बोलकर मेरी जान खाते रहती है, मन करता है कि फोन ही तोड़ दूं। यही बात तू उसके सामने बोल के दिखा, सैंडल खोल के मारेगी? क्या मारेगी, मैं उसे डरता हूँ क्या? मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, मुझे जाना पड़ेगा। मेडिकल से गोली ले ले। नहीं यार, गोली से असर नहीं होता। यहां बैठो। क्या हुआ सर, आजकल आपकी तबीयत ठीक तो रहती है ना? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इससे पहले तो ठीक थी, पर अब नहीं। पहले तो तुम मुझसे मिलने के लिए तरसते थे और अब ऐसा पेश आते हो जैसे अब तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, या तुम्हें आजकल कोई और पसंद आ गई है इसीलिए आजकल बहुत भाव खा रहे हो क्या? मैं सब जानती हूँ कि सारे मर्द होते ही एक जैसे हैं। देखो पागलों जैसी बात मत करो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। इतने दिन तुमसे मिलने के लिए कितना तरसा पता है? पर क्या करूं? मैं तुम्हारी लेवल का नहीं। अरे मैं तुम्हारी लेवल की नहीं हूँ, मतलब मैं कोई मिनिस्टर की बेटी हूँ क्या, या कोई कमिश्नर या सुपरस्टार की बहन हूँ? मैं एक मामूली ब्रोकर की बेटी हूँ। मैं जितना अपने बाप की कदर नहीं करती ना, उससे ज्यादा तुम्हारी कदर करती हूँ। उस दिन मेरे पापा को देखकर तुम इतना डर क्यों रहे थे? आखिर तुम में कमी ही क्या है बताओ? नौकरी करने की जरूरत नहीं, मदद मांगने की जरूरत नहीं है। 70 एकड़ जमीन है, 20-25 लाख ब्याज पर दिया है, हजारों लोगों को खाना खिलाने की हैसियत है तुम में। कौन करता है ये सब? मुझे गर्व है कि तुम मेरे होने वाले पति हो। ए, मुझे क्या समझा तुमने, करोड़पति समझा क्या? ध्यान से सुनो, कंगालपतियों में से सबसे बड़ा कंगालपति हूँ मैं। 70 एकड़ जमीन तो क्या, अपनी माँ की कसम खाकर कह रहा हूँ, एक बाथरूम भी नहीं है मेरे नाम पे। जो काम करता हूँ उससे मेरा खर्चा भी नहीं निकलता है। वैसे मैं 20-25 लाख रुपए कहाँ से लाकर दूंगा? मैं बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ तुम भी दर दर की ठोकरें खाती फिरो। तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का मिल जाएगा, भूल जाओ मुझे। तुम्हारे पापा को हमारे प्यार के बारे में नहीं मालूम, पता चल गया तो मानेंगे नहीं। वो बहुत अच्छे हैं और मैं नहीं चाहता कि ये बात जानकर उनका दिल दुखे। Oh,
तुमसे झूठ बोलकर बेवकूफ बनाकर मैं धोखे से शादी करने की सोच रहा था, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर तुमसे बात कर तुम्हें धोखा देने का दिल नहीं किया मेरा। वैसे भी पूरे गांव की नजरों में मुझसे बड़ा निकम्मा कोई नहीं, तुम्हारे दिल में भी निकम्मा बनकर रह जाऊंगा मैं। मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए तुम मुझे कोई भी सजा दे सकती। तुमने मुझसे झूठ बोलकर प्यार जरूर किया, पर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें अपने पापा के बारे में गलत बताया था, लेकिन तुमने मुझे और उन्हें बहुत सम्मान दिया। हम दोनों के लिए तुम अपनी प्यार की कुर्बानी देने चले थे। तुम जैसा अच्छा इंसान कहाँ मिलेगा बताओ? ऐसा कोई है? आई लव यू सिद्धार्थ। भाई और बहनों, मुझे पूरा विश्वास है इस बार भी ग्राम पंचायत के इलेक्शन में आप लोग मुझे ही वोट देंगे। ठाकुर साहब की जय! 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 सब लोग ठाकुर साहब को वोट दीजिएगा। ए आगे देखो, ठाकुर साहब की। ए कामले, ऐसा लगता है जैसे गांव में कोई टपक गया है, इसीलिए खाना पक रहा है क्या? पता नहीं मालिक, सुबह से मैं भी देख रहा हूँ। ये इलेक्शन का टाइम है, एक आदमी का जाना मतलब एक वोट का जाना। पता करो कौन गया। ए शशि इधर, वहाँ कैसा कार्यक्रम चल रहा है? भाई सिद्धार्थ पूरे गांव में बिरयानी बांट रहा है, ठंडी हो जाए उससे पहले मैं भी खाकर आता हूँ। कैसे लोगों को पकड़ कर लाया है तू? शराब मेरी पीते है और खाने वहाँ जा रहे हैं। अरे वहीं खाएंगे, पर वोट हमें देंगे ठाकुर जी। अब तो भगवान ही जाने। वैसे उसका चुनाव चिन्ह क्या है? कुछ पता नहीं। इस बब्बर शेर के सामने कोई टिक पाए ऐसी हिम्मत किसी में नहीं है। जा पता कर। ए सिद्धार्थ, सुबह से दिखाऊंगा दिखाऊंगा बोल रहा है, आखिर चिन्ह क्या है? दिखा ना जल्दी। दादी आओ उद्घाटन करो। मेरे परिवार के सारे वोट तुझे। मालिक क्या रखा है? जबरदस्त रखा है। अरे जल्दी बताना क्या रखा है। लकड़ी का खूंटा। लकड़ी का खूंटा चिन्ह रखा है, लगता है वो मुझ पर भारी पड़ने वाला है। अपनी नजर उस पर जमाए रखना। पूरी तरह जमाए रखी है। आप लोग मुझे वोट दीजिएगा, फिर देखिएगा मैं आपके लिए। चल चल अर्जेंट। क्या अर्जेंट? अरे मटन का एक्सीडेंट हुआ है। देख नहीं रहा मैं, सभा कर रहा हूँ। बोल ना, मटन का एक्सीडेंट हुआ है। क्या कह रहा है तू? चल। हाँ श्याम भैया के घर आ गए। ए, तूने तो कहा था कि मटन का एक्सीडेंट हुआ है और तू श्याम भैया के यहाँ ले आया? मार खा के सुधरा नहीं है? अरे मार तो क्या, अगर मेरा गला भी कटे ना तो भी मैं फैसला करके ही जाऊंगा। बात क्या है? ये बिल्डअप, ये जय जयकार सुनकर लग रहा है तू सीधा एमपी या एमएलए ही बन जाएगा, उसके बाद तू मुझे कहाँ मिलेगा? अब सुन, सीधा अंदर जाकर मेरे प्यार का फैसला करके ही आना। ये बजाऊंगा ना, हट। कुछ भी पकता रहता है, किसी तरह प्यार का भूत उतारना होगा इसका। श्याम भैया, श्याम भैया, श्याम भैया। आइए सिद्धार्थ भैया। श्याम भैया घर पे नहीं है क्या? बाबूजी रामपुर गए हुए हैं। ओह, बताया था उन्होंने। कोई बात नहीं, मैं कल आता हूँ। भैया मैं आपसे एक मदद चाहती हूँ। हाँ कहो ना। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है, और आप जानते हैं उसे। पास के गांव में रहता है, उसका नाम कुमार है। कुमार? हाँ। अब वो इलेक्शन का टाइम है ना, थोड़ा बिजी हूँ मैं। वो देख रही हो, वो मेरा दोस्त है, बड़ा ही गुणी है, हर तरह से तुम्हारी मदद करेगा। टेंशन मत लो, मैं उसे कह दूंगा। चलता हूँ। ठीक है भैया। अरे वाह 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 वाह, सिद्धार्थ कितना खुलकर बात कर रहा था तू। अबे खजूर, अब क्या बताऊं तुझे, वो भी तुझसे प्यार करती है। श्याम भैया के डर से चुप है।
तुम दोनों को मैं मिलाऊंगा, फिक्र मत करना। सब बता दिया है इसको, टेंशन मत लो, खुश रहो। ए, बिल्कुल मत डरना, मैं हूँ ना। ठीक है, थैंक यू। ए, रुक रुक रुक, क्या हुआ? ये किसका बैनर है यार? उतमाबी। अरे किसी का होगा, अपने को क्या? क्या यार, इतना बड़ा कपड़ा वेस्ट पड़ा हुआ है, सिलाएंगे तो मस्त चड्डी बनेगी यार। सिलवाना है क्या? ठीक है, मैं तुम्हें सिलवा दूंगा, पैसे भी दे दूंगा, चले आ। चल चड्डी को नजर मत लगा। हंस क्या रहा है? दांत तो है नहीं, हंस रहा है। ए मटन, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? ऐसे चड्डी पहन के क्यों घूम रहा है तू? ए, ये चड्डी मेरे दोस्त सिद्धार्थ ने सिलवाई है, इसलिए पहन के घूम रहा हूँ। तू काहे का दोस्त है रे? ये चड्डी थी? अरे पहले नीचे तो देख क्या लिखा है। तू ही देखना, मेरा पेट बीच में आ रहा है। थूक। गति उत्तम बीज। पीछे घूम। ऐसा लिखा है? अति उत्तम गोबर मिलता है यहाँ। ये सब लिखा है यहाँ। ये सब लिखा है क्या? लोगों ने देख लिया क्या? अभी भी देखकर हंस रहे हैं। अरे यही उतार देता हूँ। अरे सब अंधे हो जाएंगे। क्यों रे? तेरा नीचे का मामला देख नहीं पाएंगे। छी, ये बिरजू ठाकुर बिना एक शौचालय भी नहीं बना सकता, रात के वक्त कितनी परेशानी होती है। फिर मुझे कम समझा है क्या? वैसे पार्टी का चिन्ह क्या है? भगनी खूटी। सुनो सिद्धार्थ, तुमसे मिलने का मन कर रहा है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। हेलो सिद्धार्थ, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। मेरी बात सुन रहे हो? छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ।
सुमित्रा, क्या अंधेरे में बैठी रहती हो तुम? ऐसे क्यों बैठी हो? ये सब कैसे हुआ? मालिक, अगर पालना ही है तो चार वफादार कुत्ते पालिए, ऐसे बैसी दरिंदों को नहीं। अभी तक तो गांव की औरतों की इज्जत लूटी, आज मेरी पत्नी को भी नहीं छोड़ा, उन्हें मेरी आंखों के सामने मारना होगा। ए ए ए कामले, क्यों इतना सीरियस हो रहा है तू? अब बैठ, आ एक पैग मार, अच्छा लगेगा। सिर्फ कोशिश ही की है ना, रेप तो नहीं किया ना? जवान गरम खून है, हो गई होगी गलती, इलेक्शन के वक्त उन्हें मारना पीटना ठीक होगा क्या? अरे तू समझदार है, तू ही सोचना। ए कामले, ए कामले, बाप रे बाप, इतना बड़ा घर खुद के पैसे से बनाया है, लोगों का खून चूस के हैं? आप लोग जाइए, मैं देख लूंगा। हाँ हाँ, चलते हैं सर, चलते हैं, चलते हैं। नमस्ते भाई। नमस्ते। कौन हो तुम लोग? भाई मैं सिद्धार्थ हूँ, मार गांव से। मेरा चेला बिरजू ठाकुर तेरे ही गांव का है ना? जी भाई। कैसा है वो? एकदम मस्त है भाई। वैसे सुना है तुम्हारे गांव में उसके विरुद्ध इलेक्शन में कोई खड़ा हो रहा है? सिद्धार्थ नाम है। कौन है वो? मैं हूं भाई। तेरी इतनी हिम्मत लड़के, एक तो मेरे चेले के विरुद्ध इलेक्शन में खड़ा है और ऊपर से तू मेरे सामने खड़ा है? क्या भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन उसने आपके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उसे पता चला मैं आ रहा हूँ तो 10 बकरे काट कर पूरे गांव को खाना खिला देगा। अच्छा है, लेकिन अगर हमारे गांव में कोई मरता है तो उसकी तिथि पर बकरे काटते हैं। सोचिए जरा। आप कौन है भाई? इस जिले में आप कौन है? कौन हूँ मैं? शेर है भाई, आप शेर है। शेर हूँ, शेर। और शेर क्या खाता है भाई, बताओ क्या खाता है? भाई कुछ भी खा ले, घास नहीं खाएगा, वो हिरण खाएगा, हिरण खाएगा भाई। भाई अगर वो आपकी इतनी कद्र करता है तो उसे कहिए हिरण मारकर आपको खिलाया, मैं अपना नाम वापस ले लूंगा। क्या? मैं हिरण मारकर आपको खिलाऊंगा भाई, दिखा दूंगा कि आपकी कितनी कदर करता हूँ। देख लेता हूँ। वहां रख दे, जल्दी निकल। ए कामले, एमएलए साहब हैं। भाई। ए बिरजू ठाकुर। नमस्ते भाई। मैं कौन हूँ? एमएलए, एमएलए। कौन हूँ मैं? शेर हूँ, शेर। हाँ हाँ भाई, आप शेर हैं। और शेर क्या खाता है? दही चावल पकौड़े। वो दही चावल पकौड़े भाई? ए शेर खाता है हिरण। ए हिरण भाई, हिरण। अगर तू सच में मुझे अपना गुरु मानता है ना, तो हिरण के मांस का खाना खिलाकर ये साबित करके दिखा। ऐसा बोलकर अपने चेले का अपमान मत करो भाई, अब चाहे करोड़ों रुपए खर्च हो जाएं, कल रात को ही मैं आपको हिरण का मटन खिलाऊंगा। बहुत खूब, मेरा असली चेला है ये तूने दिखा दिया। ठीक है, कल मैं आ रहा हूँ। आइए ना भाई, आइए। बिरजू ठाकुर। जी भाई। हिरण के मटन का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। धन्यवाद भाई। तू मेरा असली चेला है, ये तूने दिखा दिया, इस बार भी तू ही जीतेगा। हाँ। सब आपकी मेहरबानी। हाँ। है भाई, आइए ना, बैठिए बैठिए। हाँ हाँ ठीक। अच्छा बिरजू ठाकुर। हाँ भाई। चलता हूँ। जी अच्छा भाई। हाँ। कल आ जाऊंगा भाई। हाँ ठीक है भाई। ए कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हाँ मिस्टर बिरजू ठाकुर, मैं सब इंस्पेक्टर अर्जुन, हम तुम्हारे घर पर रेड मारने आए हैं। किससे पूछ के रेड मारने आया, तू जानता है ना मैं कौन हूँ? डोंट वरी मिस्टर बिरजू ठाकुर, आपके घर आईटी रेड के लिए नहीं आया है, आपके घर में हिरण का मांस बना यही इन्फॉर्मेशन मिली है, वही चेक करने आए हैं। अरे देखो ऐसी कोई बात नहीं है, इस घर में 3 महीनों से कोई नॉनवेज नहीं बना है। ए, इस घर की बोरियों से लेकर बर्तन वर्तन सब जगह छान मारो, ढूंढो सब जगह। ए, तलाशी लो, सबकी तलाशी लो, मोबाइल सीज करो, अपना मोबाइल दो। चलो फोन इधर लाओ। नहीं मैं अपना फोन नहीं दे सकती। ए, लगता है तू मुझे अच्छी तरह नहीं जानता, तू मेरी ताकत नहीं जानता, तुझे नहीं पता तू किससे पंगा ले रहा है, बहुत पछताएगा तू। अरे तू अपनी ताकत अपने पास ही रख, अगर मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो मार मार कर तेरा हुलिया खराब कर दूंगा, समझा? इलेक्शन के टाइम पे दंगे करवाता है तू, चुपचाप कोना पकड़ के बैठ जा। ये सब क्या हो रहा है? अब क्या बताऊं मालिक, मालिक। ए कामले, यहाँ क्या हो रहा है, पुलिस क्यों आई हुई है?
रात को हिरण का मटन बनाकर पार्टी की थी ना, इन्हें उसकी खबर लग गई है। वो कमीना रात को खाकर गया था ना, उसे फोन लगा, जल्दी लगा। क्या हुआ? मैं तो फोन घर पे ही भूल कर आ गया। अरे काम चोर तू, अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए, क्या खुजर खुजर कर रहा है, भाग। पूरा घर छान मारा पर कुछ भी नहीं मिला सर। ए, अरे कुछ होगा तब मिलेगा ना, आम पेड़ से गिरेगा सोचकर सब लोग भुक्खड़ की तरह अपना मुंह उठाकर आ गए हैं। ए सुन, तू अभी बच्चा है और मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ। इसकी ओवर एक्टिंग देख के मुझे लग रहा है ये खाने के पतीले को भी चाट चाट के खा गया होगा सर। इसमें से मटन की खुशबू तो आ रही है, पर इन्होंने खाया या नहीं ये कैसे पता चलेगा? यस फाइन बिरजू ठाकुर, एक और टेस्ट करना पड़ेगा। वो क्या है? तेरा गोबर टेस्ट, चल। hey, बहुत ज्यादा नाटक हो रहा है तेरा। अगर मेरे गांव के लोग भड़क गए ना तो तू अपने घर तक नहीं पहुंच पाएगा, वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ए बिरजू ठाकुर, ऑन ड्यूटी एसआई को धमकी दे रहा है तू, इलेक्शन का टाइम है समझ गया ना, रोड पर ले जाकर मार मार कर तेरा जुलूस निकाल दूंगा। सर, 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 एक मिनट सर, मैं समझाता हूँ इनको, मैं समझाता हूँ। मालिक इधर आइए, पाव किलो गोबर ही तो मांग रहा है, तो दे दीजिए ना। जरा सोचिए, अगर एफआईआर दर्ज हो गया ना तो इलेक्शन में खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। हाँ दे दीजिए। हाँ चल। हाँ हाँ एक मिनट रुक। क्या हुआ? ये वेस्टर्न कमोड है। हाँ। अंदर पानी है, अगर गिरेगा ना तो गल जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? कहीं खेत में तालाब किनारे या नदी किनारे चल, वहीं टंकी खाली करके वापस पैक कर देना। ए, तुझे तो ए, सोच ले, इलेक्शन है, एफआईआर, समझ गया ना? नमस्ते कीजिए, नमस्ते। अरे सब मेरी तरफ देख रहे हैं, आज तो मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। एक फोटो ले लेता हूँ। बिरजू ठाकुर जी, स्माइल प्लीज, एक सेल्फी लेते हैं। ए, चल भाग यहाँ से, यहाँ मेरी इज्जत जा रही है और तुझे सेल्फी चाहिए? मैंने क्या आपको लुंगी हटाने के लिए या टॉयल हटाने के लिए कहा? एक सेल्फी लेते हैं। नहीं बेटा, यहाँ नहीं बेटा, वहाँ झाड़ियों में जहाँ सब लोग हल्का होने जाते हैं ना, वहाँ सेल्फी ले लेना। हाँ, तो फिर सेल्फी नहीं, सीधा फेसबुक लाइव जाऊंगा। सुपर। hey, क्या कर रहा है तू? इसके साथ तू भी मेरी खींच रहा है? नहीं मालिक, इस भीड़ से आपको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा क्या? चल बच्चा। हाँ चलो चलो बेटा चलो। अरे और कितनी दूर चलना है? सर यहाँ कर सकते हैं क्या? हाँ यही, रुक जा उधर, इसे दो। क्या वहाँ पर? अरे जाना कुछ नहीं है, ये डब्बा लीजिए। जाना देख क्या रहा है। अरे मालिक, खजाना ढूंढने की तरह यहाँ हुआ क्या देख रहे हैं? ज्यादा सोचिए मत, वहीं बैठ जाइए। अरे तेरी तो आते समय बास नहीं आया था क्या? तीन दिन बात कर रहे हैं ना। ए, उसे क्या हुआ जाकर पूछ। मालिक हुआ क्या? अरे पागल, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बीच में पटर पटर मत कर, अब मुंह खोला तो तुझे यहीं बैठा दूंगा। अब मैं घर में करके आया हूँ सर। क्या? अरे बाप रे, सांप सांप। ए, अरे कहाँ लेकर आया मुझे, यहाँ आसपास सांप घूम रहे हैं। आप बीन बजाइए, सब चले जाएंगे। क्या बीन? बीन बीन दे रे 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 रे। आपको बीन बजाना आता है क्या सर? लाठी दे इसको, बताता हूँ। दे सर। मालिक आइए, अभी आता हूँ, रुक। लगता है हिरन निकल गया सर। बताता हूँ तुझे, दे इसके हाथ में। अब तक अपने बच्चों की पॉटी नहीं उठाई, बिस्की उठानी पड़ रही है। इंक्वायरी के लिए बार बार मैं तुझे बुलाता रहूंगा, समझ लेना, फोन दे उसको। इसकी इंक्वायरी के चक्कर में मुझे बीमारी हो जाएगी। एसपी, अरे ये कौन है एसआई अर्जुन? हाँ, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाए, मैं उस एसआई को सबक सिखा कर ही रहूंगा। ठाकुर जी क्या हुआ? ए, हिरण का मांस खाया है बोलकर मेरे घर में रेड मारकर मुझे पोटी करने के लिए मजबूर किया और बोला तुम्हारे पोटी को टेस्ट करना है, उसे डब्बे में भर कर ले गया। ठाकुर जी, अर्जुन नाम का ऐसा ही हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसी भी थाने में नहीं है। हाँ? वैसे
डंडा टेस्ट करने से क्या खाया है ये कैसे पता चलेगा? वो जरूर नकली पुलिस वाला होगा या कोई चोर होगा। वैसे मानना पड़ेगा घर का कोई सामान नहीं ले जाकर आपका संडास लेकर गया है, बहुत बड़ा खिलाड़ी होगा। खैर मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा। मैं दूसरों के पैसों से लिए हुए कपड़े नहीं पहनता। खुले में बैठने वाले की परेशानी तू क्या जानेगा? एक बार बैठ तो पता चलेगा, मैं तुझे मजा चखाऊंगा। क्या हुआ? क्यों रे नालायक, क्या बोल रहा था तू? मालिक वो आपसे जायदाद नहीं मांग रहे, सिर्फ पाव किलो पट्टी मांग रहे, दे दीजिए ना। तू कमीने, नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, जान से मार दूंगा। उसका मुंह देखने लायक था। तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी हो यार, दिमाग लगाने से तो पूरी दुनिया जीती जा सकती है। अब इलेक्शन के समय तुम्हें कुछ अलग करके दिखाना होगा, तब जाके तुम जीत पाओगे। हाँ तो ऐसे ही मेरी तारीफ करते रहना, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। अच्छा, मेरी नंदू ही मेरी दुनिया। हाँ, हाँ, मिस नंदिनी जी, आप चाहिए तो और करीब आइए और रोमांस कीजिए। मटन का फोन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। पहली बार समझदारी का काम कर रहा है, जा। थैंक्स। दहेज ज्यादा मांगे तो दे देना, लड़का बहुत अच्छा है, बेटी बहुत सुखी रहेगी। मैं बाद में बात करता हूँ। बैग भी साथ में है। ये नंदिनी यहाँ क्या कर रही है? दोनों तो नहीं है। ये भगवान, मुझे इन्हें भागने से रोकना होगा। पापा का फोन। हेलो, कहाँ हो बेटी? वो मैं अपनी फ्रेंड राखी के घर पर हूँ पापा। ओहो हो, मेरी प्यारी बेटी मुझसे ही झूठ बोल रही है। अर्जेंट काम है, जरा घर आओ ना बेटी। अर्जेंट काम है पापा, मैं शाम को घर आ जाऊंगी ना। मेरी बात मान बेटी, मामला सीरियस है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जल्दी आ जा बेटी। देखो अब तक तुम्हारी बात मैं मानते आया हूँ ना, कम से कम आज अपने पापा की बात मान लो। तुम मेरी अच्छी बेटी हो ना, जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है पापा, मैं अभी आती हूँ। आ रही है पापा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात का मान रखकर वापस आने के लिए। पापा वापस मतलब? ये आप क्या कह रहे हो पापा? अब कहने के लिए बचा ही क्या है, बेकार में तुमसे जिद करके गांव में इज्जत गंवाने के बजाय तेरे पसंद के लड़के से शादी करवा के मैं फ्री हो जाऊं। क्या पापा, मैं कुछ समझी नहीं। सब समझ जाओगी, इसी वक्त उस नालायक को फोन करके बोल, कल ही अपने माँ बाप को यहाँ लाकर दोनों की शादी की तारीख पक्की करने के लिए। क्यों? पापा, थैंक यू सो मच, आई लव यू पापा। हेलो, हाँ बोलो। सिद्धार्थ, एक गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? तुम्हें पता है पापा हमारी शादी के लिए राजी हो गए। अब एक काम करना, कल अपनी माँ को लेकर सीधा मेरे घर आ जाना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं तुम्हारे पापा को अच्छी तरह जानता हूँ और वो भी मुझे अच्छी तरह जानते हैं, राजी होने का सवाल ही नहीं उठता। चल फोन रख। हाँ, पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था कि पापा अचानक से कैसे बदल गए। खैर ये सब छोड़ो, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मेरे पापा शादी के लिए राजी हो गए ना, इतना ही काफी है। ठीक है ठीक है, आ जाऊंगा। बाय दूल्हे राजा। बाय। हेलो हेलो दामाद जी। क्या कहा? दामाद जी मैं हूँ, शादी का ब्रोकर श्याम राव दामाद जी। मैं आपका दामाद हूँ? हाँ बेटा। अरे पुरानी बातों को लेकर मन में गुस्सा मत रखना। माँ कसम नहीं रखूंगा, कल ही अपने माँ बाप घर के बड़े जो कोई भी हैं उन सबको लेकर मेरे घर पे आओ। ठीक है ससुर जी, अपने पूरे परिवार को लेकर आ जाऊंगा मैं। ठीक है बेटा ठीक है। अरे ए ये ले, ये ले। हाँ बोल लो। की अरे सिद्धार्थ, मैं आसमान में उड़ रहा हूँ यार। क्यों रे, क्या हो गया? ए, मेरे ससुर का फोन आया था, मुझे अपने माँ बाप को घर लाकर शादी की बात करके तारीख तय करने को कहा है। कौन ससुर बे, किसकी बात कर रहा है? ए, वन एंड ओनली मेरे ससुर जी ब्रदर श्याम राव जी सिद्धू। सिद्धार्थ सिद्धार्थ, आई लव यू यार। मैंने तो सिर्फ लड़की को पटाने को कहा था, तूने तो बाप को भी पटा दिया यार। ए, दोस्त के लिए इतना तो करूंगा ही यार। अब फोन रख, मैं बाद में करता हूँ। मुझे भी खुशी मनानी है, चल बाय। बोलो सिद्धार्थ। नंदिनी। हाँ? तुम्हारे पापा किस नालायक से तुम्हारी शादी करा रहे हैं, जरा पता करो।
उफ, अरे यार पूरे गांव में एक ही तो नालायक है, मिस्टर सिद्धार्थ। पूरा यकीन है तुम्हें? तो फिर फोन ऑन रख के अपने पापा से जाकर पूछो कि वो नालायक कौन है। उफो, पर क्यों? कहा ना अपने पापा से जाकर पूछो। अरे मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, मैंने अभी अभी दामाद जी से बात की, पुरानी बात भुला कर अच्छे से बात की। बेचारे को उस दिन मैंने कितना मारा, कितना भला बुरा कहा। वो अच्छा ही लड़का है, लेकिन उस नालायक सिद्धार्थ के साथ रहकर बिगड़ गया। खैर छोड़ो, शादी के बाद वो सुधर जाएगा। अब मैं मारगांव जाकर फल फूल मिठाई लेकर आता हूँ। तू अपने होने वाले पति से बात कर और उन्हें कल आने को बोल, ठीक है? मैं चलता हूँ। अब पता चला वो नालायक कौन है। कहाँ हो तुम? इस फसाद की जड़ तुम ही हो। सीधी तरह से मेरे पापा से बात करो और सब ठीक करो। अब बात करने का कोई फायदा नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कुछ नहीं जानती, अभी जाके पापा से बात करो। अगर तुम्हारे पापा से बात किया तो पता है क्या होगा? तुम्हें पटाने का आइडिया उन्होंने ही दिया था मुझे। बिरजू ठाकुर के अगेंस्ट खड़ा हूँ मैं, ऊपर से इलेक्शन भी नजदीक आ रहा है। अगर ऐसे वक्त में तुम्हारे पापा ने सबके सामने मुझ पर कीचड़ उछाला ना, तो सब खत्म हो जाएगा। न इलेक्शन जीतूंगा, न तुमसे शादी कर पाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं। नंदू प्लीज यार, मेरी बात सुन ले, मुझ पर भरोसा है ना, तो जो कह रहा हूं वो करना प्लीज। ठीक है, करूंगी। मैं नहीं जानती तुम क्या करोगे, लेकिन अगर उसने मुझे मंगलसूत्र पहनाया ना, तो उसका और तुम्हारा खून करके मैं जेल चली जाऊंगी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना तुम। अरे संभल कर। हाँ बोल सिद्धार्थ। ओए इलेक्शन की बहुत तैयारी करनी है, जल्दी आ। ओए मैं कैसे आ सकता हूँ यार, कल शामराव जी के घर लड़की देखने में मेरी माँ मेरी पूरी फैमिली जा रही है। अरे तेरे ससुर ने तेरा थोबड़ा देखा है ना, उस दिन अच्छे से तेरे को नापतौला भी है। तू महाराज है क्या जो बार बार बुला रहे तुझे? अपने माँ बाप को वहाँ भेज, तू यहाँ। हाँ ठीक है यार, आखिर तूने ही तो मेरा रिश्ता जोड़ा था, मैं आ जाऊंगा, फैमिली को वहाँ भेज दूंगा। ठीक है आ जा। हाँ हमें लड़की पसंद है। सारी तैयारी होने के बाद हमारे गाँव का इलेक्शन खत्म होता है, तुरंत दो दिनों बाद ही शादी भी कर देंगे। माँ तू इस तरह कितने दिनों तक मुझे नहलाएगी? मैं भी यही सोच रही हूँ, तू किसी से प्यार करता था कह रहा था ना, उसे ले आ, फिर तुझे वही नहलाएगी। हाँ मुझे किसी से कोई प्यार नहीं है, मैं उस अनाथ लड़की सौम्या से शादी कर लूंगा। श्याम जी से कहो कि उस लड़की से बात कर लें, कहना मैं शादी के लिए तैयार हूँ। हाँ बोल कमला। वो लड़की सौम्या है ना, सिद्धार्थ ने उसे शादी करने के लिए हाँ कह दी है। अच्छा ठीक है, आषाढ़ महीना खत्म होते ही एक अच्छा सा दिन देखकर उनकी शादी करवा देंगे। नहीं नहीं ऐसा मत करना भैया, आज हाँ कह रहा है कल मना भी कर सकता है, उसका इरादा बदल जाए इससे पहले हम उसकी शादी करवा देंगे। अरे जल्दी नहीं हो पाएगा, आषाढ़ से पहले मेरी बेटी की शादी भी फिक्स हो चुकी है और मुझे शादी की बहुत सी तैयारियां भी करनी है। अरे श्याम भैया हम कोई पराये थोड़े ही हैं, अपनी बेटी की शादी करवाओगे ना उसी मंडप में मेरे बेटे की भी शादी करवा देना, जो भी खर्चा आएगा उसमें आधा मैं दे दूंगी। ये भी ठीक है, वो लड़की भी मेरी बेटी जैसी ही है, एक ही दिन में एक ही मंडप में सबका एक साथ शादी करवा देते हैं, क्या कहती हो? हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। ओ मतलब सिद्धार्थ ने कुछ प्लान बनाया है। सौम्या के कंधे पर बंदूक रखकर गोली मारने से काम हो जाएगा। मालिक 3000 मुर्गियाँ एक ही घर में बांटेंगे मालिक। सबको हिसाब से देना। ठीक है मालिक। 5800 साड़ियाँ हैं, हर घर में दो दो दे रहे हैं मालिक। दे दो। ये 6000 ओरिजिनल बियर है, आधे दाम पे मिली है, पेट भर पिला रहे हैं, तभी तो ये लोग याद रखेंगे और वोट देंगे। सब ध्यान से सुनो, घर घर का दरवाजा खटखटाकर मुर्गी बांटना, बिरजू ठाकुर को वोट देना, समझ गए ना? सभी औरतों को साड़ियाँ मिल जानी चाहिए। इस पर हाथ रख कर तुम कसम खा रही हो, अगर वचन का पालन नहीं किया तो तुम्हारे घर में बहुत बुरा होगा, ये बात याद रखना। तेरे घर में प्रॉब्लम है ना, ये ले 5000 रुपए रख, मेरे बाबा को ही वोट देना, समझ गया? गांव के सभी मर्दों को दो दो बोतल शराब देना और उस सिद्धू के इलाके में दो की जगह 4-4 बोतल दे देना, उनके वोट हमें ही मिलने चाहिए। इलेक्शन खत्म होने तक पूरे गाँव वाले नशे की हालत में होने चाहिए और उसी नशे की हालत में वो लोग मुझे वोट देंगे। माँ माँ अरे कहाँ गई? शारदा बहन हल्दी कुमकुम लो,
मेरा बेटा इलेक्शन में खड़ा हुआ है, उसका चिन्ह है लकड़ी का खूंटा। याद से वोट देना, वही जीतना चाहिए। वैसे कमला बहन, तुम्हारा बेटा बिना काम काज के इधर उधर घूमता है। तुम ही तो कह रही थी कि मेरा बेटा नालायक है, मैं तो खुद ही वोट नहीं डालूंगी उसको। वो नालायक नहीं है, अकेला है जो इस गांव की भलाई के लिए लड़ रहा है। अब तक बिरजू ठाकुर को जिताते आए हैं हम, उसने क्या किया? एक छोटा सा काम भी नहीं करवाया, इसलिए मेरे बेटे को वोट देना। हाँ ठीक है। ये ले, तुझे वोटर्स लिस्ट चाहिए थी ना, इसका क्या करेगा? वो बिरजू ठाकुर लोगों को मुर्गियां, पैसे, साड़ी, शराब, क्या क्या बांट रहा है, मेरी तो जान जल रही है। अरे यार, हमें कम से कम मुर्गी की टांग तो बांटनी चाहिए। टांग बांटने के लिए भी पैसे नहीं है यार। बंदे, उसने मेरे घर पे भी 5,000 रुपए दिए, माँ के हाथ में साड़ी बाड़ी थमा दी, बोल रही है उसी को वोट देगी। 5,000 न सही सिद्धार्थ, 50 रुपए तो बांटना ही पड़ेगा ना, समझना। 5 रुपए भी नहीं आया तो फिर इलेक्शन में खड़ा ही क्यों हुआ, हमारे इज्जत का कचरा करने के लिए? मटन क्या? 5 किलो मटन और 5 किलो चिकन, साथ में 20 पराठे लेकर स्कूल के पास आ जाना। अरे ये क्या कह रहा है, सुबह इलेक्शन है यार। हाँ पता है मुझे। ये तू पागल हो गया है तुम क्या? लोग मेरी बात मानोगे कि नहीं? तेरी बात सुन सुन कर लोग हमें भी नालायक कहने लगे हैं, ऐसे ही चलेगा तो लोग हमें गांव से भगा देंगे। ए, चल आखिरी बार देखते हैं क्या होता है। पता नहीं चिकन मटन का क्या करने वाला है। हल्ला मत करो, जाओ यहाँ से, आ ना जाओ। ए मोटर, सबको भगा यहाँ से। अरे क्या है, ये क्या है? अरे अरे अरे, इलेक्शन की जगह से दूर रहना चाहिए। अगर फिर से यहाँ दिखाई दिए ना तो सबको पेड़ पे उल्टा लटका दूंगा। हाँ कह देता हूँ, मेरी बात याद रखना। और सब ठीक है ना सर? ओए इधर आओ। मामा, तेरे गांव में ब्लैक एंड व्हाइट मिलता है क्या? हमारे गांव में सिर्फ ब्लैक मिलता है सर, व्हाइट नहीं। जा लेकर आ। अबे मेरा मुंह क्या देख रहा है, लेकर आ। ए सिद्धार्थ, ए रुक, कहां जा रहा है? क्या हुआ? वोट डालने के लिए ये आ जाना कि वहां जाना है? वोट डाल चुका है और वापस वोट डालने के लिए आ गया। आ गया सर। यस सर। इधर आओ। आया सर। क्या लफड़ा चल रहा है यहाँ? सर सुबह से यही नाटक चल रहा है सर। अब तक 20-25 लोग पहले वोट दे चुके हैं, फिर से वोट देने आ रहे हैं। उन्हें भगा भगा कर परेशान हो गया हूँ सर। लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने रात को शायद ज्यादा पी ली। अगर बात ऊपर तक पहुँचेगी तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। सर मैंने ऐसे बहुत मक्कार लोगों को देखा है, किसी को भी गेट के अंदर मत आने देना। भगाओ सबको, भगाओ। ये शिवा, आगे जाओ। इधर आना। अरे ये लो। हाँ अरे शिवा, हाँ जाओ, ये लो, ये लो, जाओ। अरे लालम लग जाओ। अरे आना। हाँ जब आराम से सवाल। अरे तुम लोगों को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हमारे सिद्धार्थ भैया इलेक्शन में खड़े हैं पता चला, इसीलिए हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग आपको वोट देंगे। अरे घर वालों को पता चलेगा तो जान से मार देंगे। भैया भागकर शादी करने वाला हर कोई बर्बाद नहीं होता, आपकी दया से हम लोग बहुत खुश हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको वोट देकर ही जाएंगे। क्या कहते हो भाई, तो चलो फिर वोट देते हैं। लेकिन वोट देकर आते हैं यार। सिद्धार्थ आज हमें हमारे मेहनत का फल मिल गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है यार। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी भेजो। ए देवा, वोट डाला क्या? वोट डालने गया तो वो मारेंगे और अगर नहीं गया तो ये मारेगा। हाँ डाला ठाकुर जी, ये देखिए। जा सबको डालने को बोल। ठीक है ठाकुर जी। और सिद्धार्थ, सिद्धार्थ जी क्या लग रहा है आपको, जीत जाओगे ना? ये देख किसको वोट डाला है, देख देख देख, मेरे मालिक को। ये टेबल चेयर कुर्सी भाड़ा तो बहुत लगा होगा ना? क्या तो होगा तेरा, अब तू तो गया। हाँ
मुझे गलत मत समझना सिद्धार्थ, तुम इलेक्शन में हार जाओ ये मैं नहीं चाहता। तुमने मेरी पत्नी की इज्जत बचाई है इसलिए तुम्हें फोन किया है। मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि तुम इलेक्शन जीत जाओ। तुम्हारे जैसा लायक इंसान ही ग्राम पंचायत का प्रधान बनना चाहिए, वो कमीना ठाकुर नहीं। क्यों क्या हुआ? अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तू जरा ध्यान दे, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा है? जाओ जाओ। दादी दादी दादी, बेटा कब से कह रही हूँ इन लोगों को कि मुझे लेकर चलो, मुझे सिद्धार्थ को वोट डालना है, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा। अब तू आ गया है ना बेटा, तू ही मुझे लेकर चल। दादी ये तू क्या कह रही है, अस्पताल जाने की बजाय वोट देने जाएगी? कोई वोट नहीं देना, चलो हॉस्पिटल। अब ना मैं अस्पताल जाऊंगी और ना कहीं और जाऊंगी। वो देख, जब से पैदा हुई हूँ तब से इसी झोपड़े में रह रही हूँ। ना ही उसने घर पक्का बनाया और ना ही मुझे शौचालय बना कर दिया। सुन बेटा, अब तुझे ना उस बिरजू ठाकुर को हर हाल में हराना है। सुन बेटा, इस गांव को सुधारने के लिए तेरा ग्राम पंचायत का प्रधान बनना जरूरी है। गाड़ी ले क्या, जा गाड़ी ले क्या बेटा, जल्दी ले चल, मुझे गाड़ी ले। ए, अरे वो किसे ले जा रहा है? अरे इस बुढ़िया से उसका करीबी रिश्ता है, उस बुढ़िया से ही उसको वोट मिलेगा। अरे उसके बारे में मत सोचिए, पूरा गांव आपके साथ है। हाँ बेटा, यहाँ सिद्धार्थ को वोट देने के लिए कौन सा बटन दबाऊं? वहाँ 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 दबाओ दादी। हाँ यहाँ यहाँ यहाँ, ये वाला। अरे ठाकुर जी का बटन कौन सा है? वाई बिरजू ठाकुर, सी बिरजू ठाकुर, डी बिरजू ठाकुर, इसमें से कौन सा बटन दबाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हे भगवान, मेरे पति को जिताना, यहाँ पर कितने बिरजू ठाकुर हैं, इसमें से मेरे पति का बटन कौन सा है, कौन सा बटन दबाऊं? यहाँ सब ठीक चल रहा है ना? अब इनको क्या बताऊं, सब ठीक ठाक चल रहा है। हे उतर। ठीक है सिद्धार्थ, तो अस्पताल ले जा, जरूरत लगी तो बताना। दादी सुन रही है ना, दुआ कर मैं इलेक्शन जीत जाऊं। अगर मैं जीत गया ना तो पूरे गांव में शौचालय बनवाऊंगा। घर पक्का नहीं है कह रही थी ना, सबके लिए नया घर बनवाऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन मत ले। पूरे गांव को मैं स्वर्ग बनाऊंगा, तो चिंता मत कर, ठीक है? चल पहले अस्पताल चलेंगे, फिर वहां से घर चलेंगे। हे डार्लिंग, ओए क्या हुआ तू? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही? दादी एक पल में क्या से क्या हो गया, तन से कोई मन जुदा हो गया, कैसा ये दस्तूर है तेरा, ईश्वरा है ईश्वरा, ईश्वरा है ईश्वरा। किस तरह का ये तेरा खेल है, मौत। इस गांव को सुधारने के लिए तेरा ग्राम पंचायत का प्रधान बनना जरूरी है बेटा। नाता इस जहां से छूट गया है, ईश्वरा ईश्वरा है ईश्वरा, ईश्वरा कैसे हो भाई? ठीक हूँ। हेलो, आइए आइए, ये है हमारी मैडम। ओ आइए आइए, स्वागत। हे भगवान, सब कुछ ठीक ठाक से हो जाए।
अरे उठो 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 बेटी उठो। ए गंगा तुम ये सब क्या है सिद्धार्थ? श्याम भैया मेरी बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। इसका नाम कुमार है, गंगा इससे बहुत प्यार करती है, भागने का प्लान बना रहे हैं। चिल्लाइए मत, सुनिए। भागकर शादी करके हमारी इज्जत नीलाम करने के बजाय इसी मंडप में बिठाकर इनकी भी शादी करवा देते हैं। मेरी बात मानिए प्लीज बाबूजी, प्लीज मान जाइए ना, प्लीज प्लीज मान जाइए बाबूजी। ठीक है, तुम्हारी और सोमिया की, लौकी और नंदिनी की, और इन दोनों की भी इसी मंडप में शादी करवा दूंगा। तू जाकर मंडप का काम देख, मैं मंगल सूत्र लेकर आता हूँ, ठीक है ना बेटा? ठीक है, चलो खुश बाबूजी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये सब छोड़ो, मेरी शादी होगी या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हारी जरूर करवाऊंगा, तुम लोग चिंता मत करो, चलो। और हाँ एक और बात, शादी के वक्त एक आदमी तुम्हें मारने आएगा, गलती से भी अपना मुंह मत खोलना, अगर कोई पूछता है तो कहना मुझसे मिल ले। ठीक है भैया, चलो जाओ। ठीक है, हाँ सब ठीक है। हाँ हाँ, ये मेरे बगल में आकर क्यों बैठ गई? इसके बाप ने देख लिया तो मुझे जान से मार देगा। ये तेरे बाजू में क्यों बैठी है यार? यार ये तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या रहा है? क्या पता यार, सिद्धू को बताता हूँ मैं, जल्दी फोन लगा उसे। हाँ बोल, तू कहाँ है यार? तेरी वाली मेरे बगल में आकर क्यों बैठी है? रुक, तेरी वाली से ही तेरी शादी होगी, तू टेंशन मत ले, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। मेरी दुनिया उजड़ने से पहले आ जा। हाँ ठीक है, फोन रख। क्या कहा? आ रहा है वो। ए, उसका बाप सिरफिरा है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ए, तुम कहाँ जा रहा है? कुछ देख रहे हैं। यहाँ किसी का मातम हो रहा है क्या? सर आज आपकी शादी है ना, तो जरा स्माइल कीजिए ना। सुपर। शुक्रिया, मेरी वाली आ गई, सिद्धार्थ भी आ गया, शिफ्ट हो जाता हूँ। इसने तो लड़की ही बदल ली यार। मुझे लगा ही था कि इस लंगूर की औलाद को ये डिंपल क्वीन कैसे मिल सकती है, शायद कंफ्यूज होकर साथ में बैठ गए होंगे। रेडी सर? हेलो, तेरी वाली वहाँ बैठी है ना, वहाँ जा। यही मेरी वाली है। तुझे तो मैं क्या रे, यहाँ क्यों बैठा है? तेरी वाली वहाँ बैठी है ना, वहाँ जा। मेरी वाली है ये, परेशान क्यों कर रहे हो? ए नाटक मत कर, तेरी वाली वहाँ है, चुपचाप वहाँ जा वरना मार दूंगा तुझे। मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिद्धार्थ से सिद्धार्थ से क्या पूछना है तुझे? तू क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? क्या कर रहा है? मुझे बताना था ना, अपनी जगह पर बैठ, इसी के साथ तेरी शादी करवाऊंगा। लेकिन ये उसके साथ क्यों बैठा है? अरे चुप हो जा, मैं हूं ना यहाँ, चल बैठ। ठीक है, क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ए, तूने इनकी फोटो ले ली ना? हाँ। यहाँ मुझे नहीं लगता यहाँ कोई शादी वादी होगी। चल पहले कुछ खा लेते हैं फिर फोटो खींचते हैं, चल चलो। थुप। ये अन्याय होता देखकर आप चुप क्यों हैं? कोई तो अवतार लेकर आ जाइए। देखकर गेटअप बदलते हैं। पक्का तेरे चाचा है ना? नमस्ते चाचा जी। ये आ क्या है? ये मेरी है। ये हटो, ये मेरी है। तेरी तो ऊंचा। छोड़ो, ऊंचा बोला ना, ऊंचा। ऊंचा। क्या कर रहे हो? ए ए ए। ये झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? इसके साथ मेरी शादी है और ये यहाँ आकर बैठा है। तू बीच में क्यों टपक रहा है? सिद्धार्थ भैया ने समझाइए ना। चुपचाप बैठ उधर, चुपचाप बैठ, बोला ना बेवकूफ गधा कहीं का।
बेकार में बवाल मचाते रहता है नालायक। तू किस लड़की से शादी करेगा? और तू एक ही लड़की से दो दो लोग कैसे शादी करेंगे? हाँ, इस लड़की से मेरा रिश्ता तय हुआ है, अब सिद्धार्थ से पूछ लीजिए। हे भगवान, तेरी तो अब नाटक बहुत हो गया, चल निकल यहाँ से वरना तलवार दे इनको, दिखाता हूँ मैं। तुम फिक्र मत करो बहन, सब अच्छा ही होगा। ए, कब आया तू छोटे? कैसा है तू? गांव में सब ठीक है ना? चल रही है या फिल्म की शूटिंग चल रही है? ए छोटे, तू चिल्ला क्यों रहा है? सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? क्या चल रहा है यहाँ? ये उससे शादी करना चाहती है, वो इससे शादी करना चाहता है, दोनों एक ही लड़की के पीछे पड़े हैं और शादी करने के लिए लड़ रहे हैं। आपकी बेटी यहाँ बैठी है, लेकिन इससे शादी कौन करेगा? मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया हूँ कि बेटी से शादी कौन करेगा, वो करेगा या ये करेगा? कौन है आपका दामाद? अरे रुक छोटे, दामाद जी आप वहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ बैठिए। ससुर जी, मैंने प्यार ना आपकी बड़ी बेटी से नहीं, आपकी छोटी बेटी से किया है। छोटी बेटी? हाँ, ये हमारे घर की काम वाली है, अपनी बेटी जैसी है समझकर दोनों की शादी साथ में करवा रहा हूँ। अब तेरी तो मैं जान ले लूंगा। क्यों बेटी, तू इसी से प्यार करती है ना? नहीं, तो किससे प्यार करती है? किससे? इस नालायक को तो मैं आज जान से ही मार डालूंगा। खुद को समझता क्या है, मुझसे ही आइडिया लेकर मेरे साथ ही धोखा किया है? लड़कियों को कैसे पटाते हैं पूछकर मेरी ही लड़की को फांस कर शादी करने चला आया। ए, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझसे शादी नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पे अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूंगा मैं। इसे माफ कर दो भैया, मेरा बेटा बुरा नहीं है, इसकी शादी मत रोको। कमला बहन, क्या अच्छाई है तुम्हारे बेटे में जो अपनी बेटी की शादी इससे करवाऊं? मेरी बेटी को पालने की ताकत इसमें है क्या? तुम खेतों में काम करके इसे ही पाल रही हो, आगे जाकर मेरी बेटी भी खेतों में काम करके बर्तन पोछा लगा के इसकी सेवा करेगी क्या? बस श्याम भैया, भगवान के लिए शांत हो जाओ, सब लोग देख रहे हैं। क्यों सिद्धार्थ, क्यों करता है तू ऐसा? उस दिन कहा था किसी से प्यार करता हूँ, फिर कहा सौम्या से शादी कर लूंगा, ऐसे बार बार अपना इरादा क्यों बदलता है तू? क्यों कर रहा है तू ऐसा? बता क्यों कर रहा है ऐसा? अब चुप क्यों खड़ा है? कुछ बताना, बता। बेटी देख क्या रही है, इस नालायक के मुंह पर थूक कर चल यहाँ से। पापा, मैं सिद्धार्थ से ही शादी करूंगी। ओहो, अपने पापा की बात नहीं सुनेगी, इतनी बड़ी हो गई है? ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। इस झूठे मक्कार के साथ शादी करने के बाद हाथ फैलाएगी तू लोगों के आगे? श्याम भैया, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बच्चे मान गए हैं, आप भी मान जाइए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। श्याम भैया, क्यों किसी के पैर पर बार बार करती हो? जाओ। क्या सर, क्या ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने? तुम क्यों पैरों पे गिरती हो? मैं भी पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनकर कार बंगला खरीद कर आराम की जिंदगी गुजार सकता था। गांव में एक शौचालय तक नहीं है, वहां शौचालय बनवाऊंगा, रोड बनवाऊंगा, घर बनवाऊंगा, हमारे गांव की औरतें सुकून से रहें, इसीलिए ग्राम पंचायत का प्रधान बनना चाहा। मेरी गलती है, नालायक हूं मैं। देखिए सर, आपसे आइडिया लेकर आपकी बेटी पर इस्तेमाल किया, सिर्फ इसी एक गलती की वजह से। मैंने आपको कुछ नहीं बताया, वो आपकी बेटी है, इसीलिए ये बात मैंने आपसे छुपाई। हाँ, मैं नालायक हूं, गलती भी मेरी है, नालायक हूं मैं। पापा, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की शादी करवाई, उसके लिए मुझे भगाकर ले जाना और मुझसे शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं था। दुनिया के सामने आपके आशीर्वाद से यहाँ मुझसे शादी करने आया था। सही कहा, नालायक है, बहुत बड़ा पागल है ये। आप अच्छे इंसान है भैया, कितने घरों की लड़कियाँ दिखाई, हजारों झूठ बोले, इसकी शादी करवाने के लिए बहुत कुछ किया, अब ये आपकी बेटी से प्यार करता है ये जानकर आप मना कर रहे हैं। वैसे आप सही ही कह रहे हैं, अपनी सच्चाई बताकर आपकी बेटी का प्यार पाया है ना, इसलिए नालायक है मेरा बेटा। भैया, यहाँ क्या चल रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। किसका सर उड़ाना है, किसका सर उड़ाना है, मुझे बताइए, तलवार ला रहे छोटे। श्याम भाई, कितने प्रेमियों की जाति धर्म कुल देखे बिना अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी शादी करवाई है, आप ऐसा मत कीजिए भाई, आपके पैर पड़ता हूँ भाई। श्याम भाई, मेरी बात मान जाओ भाई।
पापा प्लीज पापा। सिद्धार्थ पहना मंगलसूत्र, ले पहना दे। ले लो पहनो पहनो, चलो चलो। सिद्धार्थ तुम नंदिनी से प्यार करते हो ये बात पता चलते ही मैं धारवाड़ चली गई थी और तुमने अपना प्यार पा भी लिया। कॉन्ग्रेट्स, हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट नंदू। ए मैं अपने स्वार्थ के लिए अपनी फ्रेंड की बलि नहीं दूंगी, तुम्हारी शादी इस नालायक से ही करवाऊंगी। कौन है भैया वो दूसरा नालायक कौन है? हाँ बजाइए बजाइए। भाई हाँ, आपको लड्डू पसंद है या पापड़, ये सोचकर कंफ्यूज हो रहा था इसलिए दोनों लेकर आ गया। मुझे तेरा सर पसंद है, तलवार लाओ मेरी। जिसकी आप सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे उस गांव के ग्राम पंचायत के चुनाव के मतों की गिनती समाप्त हो चुकी है, तो हमारे गांव के हमारे गांव के सिद्धार्थ शंभू एक मती मत से विजयी हुए हैं। देख लूंगा। ग्राम पंचायत का प्रधान बन के दिखाऊंगा। मुझे विश्वास था बेटा, तू ग्राम पंचायत का प्रधान जरूर बनेगा।